रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं लंच ब्रंच डिनर्स सोशल पॉलिटिकल कल्चरल सारी एक्टिविटीज छोड़ के मेरे सामने आके बैठ गई। अब मैं अकेली जाऊं आपको कैसे एंटरटेन करूं? कुछ लोगों को बुलाया है मैंने कल, उनके आने से पहले पहले मुझे अपना फाइनल जवाब दे देना वरना वहां हां हो जाए। पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट हर रोज मैं एक लड़की देखने जा रही हूँ, मगर बहुत बुरी हालत है। ना पहनने की तमीज है ना बैठने की, बस हर लड़की किसी एक्ट्रेस को कॉपी करने में लगी हुई है। लड़कियों से ज्यादा तो आजकल लड़कों की बुरी हालत है, बस ब्यूटी कॉन्शियस है सिर्फ। उनसे मिलो तो उनके पास ना कोई विजन है ना कोई थॉट है। ब्यूटी टिप्स ले लो उनसे, किसी सिंगर की बात कर लो, फिल्मों की बात कर लो, या फिर जिम की रूटीन। है ना बेटे? हाँ, बट वो तो परवरिश पे डिपेंड करता है ना। अब इनके लड़के को देखो, कनाडा में पला बड़ा है, इसकी तमीज, इसका लिबास, इसकी लैंग्वेज भी यहाँ के लड़कों से तो बहुत बेहतर उर्दू बोलता है। माशाल्लाह से 5 वक्त का नमाजी है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने मोबाइल पे किबले की डायरेक्शन और 5 वक्त की नमाज की टाइमिंग फॉलो करता है मेरा बेटा। माशाल्लाह। और उधर इनकी सौतन का रवायती कबायली बेटा जेल में पड़ा हुआ है। अच्छा, यू नो व्हाई? एक लड़की पे लड़ पड़ा किसी पार्टी पे, और इसी वजह से तो सरदार साहब पैरालाइज हुए हैं। तो आप उनको अपने साथ कनाडा क्यों नहीं ले जाती? वो जाहिल औरत तो इनको मार देगी। यही मसला होता है इन सरदारों का, जिंदगी से बहाने से जाओ और देखो तुम्हारी बेटी क्यों नहीं आ रही। नहीं तो अगर वो नहीं आई तो मैं बिना शादी के उसे इस घर से रुखसत कर दूंगी। बेटा आप कुछ नहीं बोलेंगे, जब से आए हैं खामोश बैठे। अरे ये तो बहुत कम बोलता है। अच्छा, फिर तो दरमियान में किसी तीसरे शख्स की जरूरत पड़ेगी, मेरी बेटी भी खामोश रहती है। पापा, प्लीज। जाना तो पड़ेगा ना बेटा। देखो तुम्हारी मामा ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैंने वहां कोई बदतमीजी कर दी तो वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़कियों के रिश्ते तो आते ही हैं, इसमें क्या है ऐसी बुरी बात? लेकिन जब मैंने शादी नहीं करनी तो क्यों आ रहे हैं रिश्ते मेरे? अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं आएंगे। आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, अगर आइंदा कोई रिश्ता आए तो जो दिल में आए बदतमीजी करना, मैं भी तुम्हारे साथ।
अभी पिछले ही महीने मैंने 30 कपल्स की शादी करवाई है इकट्ठी, अगले महीने मेरे ख्याल 15 की और है, और जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं वो अलग हैं। अभी तक मैं 50-60 गरीब लड़कियों की शादी करवा चुकी हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि गरीबों की दुआ लगे तो मेरी बेटी का नसीब अच्छा हो। कम ऑन शनाज, परिसा इतनी अच्छी है, उसका नसीब भी उतना ही अच्छा होगा। ससुराल वाले उसको सर आंखों पर रखेंगे, ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। भाई तुम यहाँ बैठकर मेरा और मेरे बेटे का एंजाइटी लेवल क्यों बढ़ा रही हो? जाओ जाके बच्ची को लेकर आओ, ये काम तो खालाएं ही करती हैं ना। जाओ ना शनाज, ले आओ। आ रही है। मैं जोड़ा निकाल के आई थी तुम्हारा, कपड़े क्यों नहीं बदले? तैयार नहीं हुई है, इस तरह जाएगी? ये रही मेरी स्वीट हार्ट। हेलो, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जैसा सुना था उससे तो ज्यादा ही पाया है। भाई हमने तो तुम्हारे बारे में सब कुछ इनको बता दिया कि तुम्हारा दिन फूलों में गुजरता है और रात किताबों के साथ। भाई हमारा घर भी वहाँ एक जंगल में ही है, खूब दिल खोल के गार्डनिंग करना जितना भी चाहो। और तुम्हें पता है जवाद की हॉबी क्या है? कुकिंग। जो वक्त मिलता है ये किचन में गुजारता है, जो पकवाना होगा पकवा लेना। ये तो बहुत अच्छा है, कमाल हो गया, एक उगाए और दूसरा पकाए। भाई मुझे लगता है इन दोनों को आपस में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बेटे जाओ, जवाद के साथ जरा गपशप करो। No. मुझे भी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, अलग अलग किस्म की लड़कियों से इंटरव्यू सेशन करने की। पिछले एक महीने से काफी लड़कियों से मिला हूं। But you're quite different. कैसे? I can feel it. मगर आप तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगे। आपसे पहले मेरी माँ मुझे 4 डिफरेंट लोगों से मिलवा चुकी है और सबने यही कहा कि मैं डिफरेंट हूँ। इट मींस कि आप वाकई डिफरेंट हैं, जैसा सबने कहा था। मगर मुझे भी तो कोई डिफरेंट चाहिए। किस तरह का डिफरेंट? आई मीन किस तरह के लोग पसंद हैं आपको? जिससे पता हो कि मेरे में क्या डिफरेंट है। हाँ लेकिन इसके लिए तो एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है, एक ही मीटिंग में अंडरस्टैंड करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो पहली मीटिंग में सब कुछ बता देती हूँ, मगर वो भाग जाते हैं। मेरा एक सीक्रेट है। क्या? रहने दें, आप भी भाग जाएं। You have to tell me about that. अब सारी जिंदगी हमने एक साथ गुजारनी है। And it's almost done. मेरी मॉम ने यहाँ आने से पहले ही हमारा रिश्ता डिसाइड कर लिया है। तो फिर आप इस रिश्ते से इनकार करते हैं? अगर आपने मेरा दूसरा रूप देखा आपको बहुत तकलीफ होगी। मुझे बताओ प्लीज, आई ब्रॉट अप इन लिबरल सोसाइटी, शायद मैं आपको डिसअपॉइंट ना कर सकूं। मगर सीक्रेट इज अ सीक्रेट, आपको सारी जिंदगी इसको मेरे साथ लेकर चलना होगा। प्रॉमिस?
Yeah, promise. Love. Okay. करती थी या करती हो? करती हूँ. Breakup? No. हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते. तो? अगर हमारी शादी भी नहीं हो सकती. Status difference. That doesn't matter. मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ. लेकिन हमारे मजहब चेंज हैं. तो क्या शादी के बाद भी आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ रखेंगे? No way. ऐसा कैसे हो सकता है? मगर मैं तो रखूंगी. जी? मैंने कहा ना कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. If you don't mind, मैं जान सकता हूँ वो कौन है? वो देख रहे हो वो लड़का जो मेरे प्लांट को पानी दे रहे? मेरी माँ के मैनेजर का बेटा वही है. कैसी हो बड़ी भी? क्या बात है, आज आपकी फ्रेंड नजर नहीं आ रही. ज्यादा तबीयत खराब होगी उनकी. ओह नो नो, हाथ मत लगाएं इनको. अरे वरना आपकी भी तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगी जैसे आपकी फ्रेंड की हो गई है. देखा, आ गया ना आंखों में पानी. एलर्जी हो गई आपको भी? नहीं, मुझे रोना आ रहा है. क्यों? उनकी शादी हो जाएगी. ओ, वो कनाडा चली जाएंगी. ये तो अच्छी बात है. अरे उनके जाने के बाद ये सारे फूल तुम्हारे हो जाएंगे. नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए. क्यों? बड़ी भी? तो कैसा लगा तुम्हें लड़का? उसने क्या कहा कि मैं कैसी लगी उसे? भाई वो तो बात पक्की करने आए थे. अगर मैं साथ देती ना तो रस्म करके ही जाते. इतने नॉन सीरियस लोग हैं कि पूरी जिंदगी का फैसला एक घंटे में कर लिया. ऐसे थोड़ी आ गए होंगे, पूरी रिसर्च करके आए हैं. और फिर नसरीन, वो तो हमारे बारे में हमसे ज्यादा ही जानती है. हमसे ज्यादा क्या चाहिए उन्हें? और तुम्हारे स्टेटस की लड़की वो कहाँ मिलेगी जिसकी माँ के साथ लोग सेल्फियां बनाते नहीं थकते? देखा नहीं था कैसे वो कनाडा लोगों को फोन कर करके बता रही थी कि वो किसके साथ बैठी है? ऐसा घराना, इज्जतदार, मालदार, शरीफ, मशहूर, उन्हें और क्या चाहिए? और फिर तुम तो सीधी सादी हालत में भी इतनी प्यारी लग रही थी कि बेटे से ज्यादा माँ आशिक हो गई तुम्हारी. मगर आप तो इतनी एक्साइटेड लग रही हैं जैसे किसी माँ की ओवरएज बेटी का आखिरी रिश्ता आ गया. क्या मतलब? अमीन के उस खातून का क्या स्टेटस होगा मेरी माँ के आगे? वो तो एक सरदार की धिक्कारी हुई दूसरी बीवी है जिसकी इज्जत, दौलत, शौहरत सब कुछ उसका एक इकलौता बेटा है जो उसके इशारों पे हंसता, बैठता, उठता, खाता, पीता सब कुछ है. इस बेचारे की कोई चॉइस, पसंद नापसंद कुछ नहीं है. सबसे पहले तो ये कि वो सरदार की धुतकारी हुई बीवी नहीं है. सरदार ने अपनी दौलत, अपनी जवानी सब कुछ उसकी गोद में डाल रखी. दूसरी बात ये कि माँ ने अगर अपने बेटे को एक तरह से पाला है, उसकी ऐसी तरबियत की है, तो तुम इस पे इतना नेगेटिव क्यों ले रही हो? मतलब जज क्यों कर रही हो? इसका मतलब है कि आपने मेरी तरबियत नहीं की क्योंकि हमारी पसंद में तो बहुत फर्क है. क्यों, तुम्हें लड़का पसंद नहीं आया? मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि आपने पहले से ही फैसला कर लिया था. लेकिन मैंने उसे तुम्हारी नजर से भी देखा है. पता नहीं तुमने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड सोच रखे हैं, लेकिन मुझे ये लड़का बिल्कुल मुनासिब लगा. और पता क्या, शादी उसी से करनी चाहिए जो बिल्कुल मुनासिब. औरत का क्या है, उसकी पसंद नापसंद सारी जिंदगी बदलती रहती है. वो अपनी जिंदगी में बहुत सी खामोश मोहब्बतों से गुजरती, लेकिन रहती उसी के साथ है जो मुनासिब होता है. ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी माँ तुम्हारे पर आशिक हो गई है और लड़का अपनी माँ के इशारों पर चलता है.
बहुत खुश रहोगी। नहीं नहीं, हाथ मत लगाएगा इनको अभी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी कुछ काम बाकी है इनका, स्प्रे के बाद का। लगता है तुमने अपनी जॉब यहीं पक्की करने का इरादा कर लिया। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि आपके जाने के बाद ये सब कुछ मेरे ही गले पड़ने वाला है। मेरे जाने के बाद? सुना है आप कनाडा शहर जा रही हैं शादी करके। नादिया ने बताया? जी, अभी रोती हुई गई है यहाँ से वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने तो सुना है आपकी रस्म की डेट भी फिक्स हो रही है, आई थिंक संडे को। सॉरी, मेरा एक्चुअली संडे को कोई प्लान था, इन पौधों में खाद डालने का। और वो जो असली खाद होती है ना, उसकी स्मेल बहुत होती है, तो कहीं आपके वो रस्म वाले बॉदर ना हो। आप संडे को आ जाएं, यहाँ कोई रस्म वस्म नहीं हो रही। श्योर? श्योर। अरे तो उस बच्ची को जाकर बताइए ना कि आपने इनकार कर दिया। तक रो रही होगी वो। ताकि वो सबको जाकर बता दे कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने मना किया था आपको कि इनसे दूर रहिए आप। इनसे दूर नहीं रह सकते। तो आप रुखसत होकर नहीं जा रहे? कोई रुखसत होकर आ रहा है यहां? आफ्ताब, आफ्ताब, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े? क्या ना, तुम्हें नहीं लगता कि हम अपनी बच्ची पे अपना फैसला इम्पोज कर रहे हैं? इम्पोज करना होता ना तो माहीन के बेटे से शादी करती, और तुम्हारी बेटी इतनी आसानी से हाँ कर देती क्या वो मुझे? श्योर, उसने हाँ कर दी है। तो इससे पहले वाले रिश्तों में उसका रिएक्शन देखा था ना? इतनी कंफ्यूजन तो वो हर चीज में दिखाती है। उसका खाना देखा है? बनवाती कुछ है, खाती कुछ है। अभी तो हम सही से मिले भी नहीं है, इतनी दूर जा रही है। हमने तो वो वक्त भी उसके साथ नहीं गुजारा जो आमतौर पे माँ बाप अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, हम उन्हें मिडिल क्लास माँ बाप की तरह अपने घुटने से बांध के रखें, हर चीज पे रोके टोके, हर बात पे इंटरप्ट करें? हमने उन्हें जो भी टाइम दिया है ना, क्वालिटी टाइम दिया। और फिर अब क्या चीज दूर रह गई? कनाडा भी दूर नहीं है, अब दुनिया ग्लोबल हो चुकी। जब चाहेंगे उन्हें बुला लेंगे, जब हम चाहेंगे हम चले जाएंगे। क्या हुआ मॉम डैड, परीक्षा की बात पक्की हो गई? हाँ, ऑलमोस्ट। तो अब आप लोग मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ये स्टूपिड फैसला क्यों कर रहे हो। बिजनेस ना सही, किसी तमीज की फील्ड में जाओ। ये स्टूपिड किस्म की जर्नलिज्म करने का क्या मकसद है? क्योंकि मेरे सारे दोस्त उसी में जा रहे हैं। राहिल और साकिब दोनों ने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है, और हसन भी इंजीनियरिंग क्विट करके मास कॉम में आ रहा है, तो मुझे भी वहीं जाना है। इसका मतलब है कि तुम 4 साल के लिए वहां पिकनिक मनाने जा रहे, पार्टी करने? नहीं, मैं पढ़ूंगा भी। करोगे क्या ये सब्जेक्ट पढ़ के, सड़कों पर धक्के खाओगे? मॉम डैड, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं धक्के नहीं खाऊं, मैं किसी चैनल में बैठकर पैसे कमा लूंगा। अरे बाबा, पैसे कमाने हैं तो अपने बिजनेस में पैसे कम है क्या? आप मुझे ये बताएं, आप पैसे दे रहे हैं या नहीं? ऐसे नहीं होगा बेटा, हम सब बैठेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि आगे तुम्हें करना क्या है। मॉम डैड, मैं परीसा नहीं हूँ जिसपे आप अपना डिसीजन थोप दें। अगर आप नहीं दे रहे तो नहीं दें, मैं खुद अरेंज कर लूंगा। देखा तुमने, अभी हम डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये बदतमीजी, गोद में बिठाया होता ना तो आज थप्पड़ मार के अपनी बात मनवाता ही। कल बात करता हूँ मैं हसन के बाप से, कैसे निकलवा रहा है वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से,
वो भी उन दो लफंगों की खातिर जिनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। तुम रहने दो, मैं खुद सीधा कर लूंगी इसे। एक बार बस परीसा को रुखसत कर लूं, एक मिनट। हेलो स्वीट हार्ट। या नहीं नहीं, आफ्ताब के साथ बात कर रही थी। बाप है ना, उदास हो रहा है बेटी के दूर जाने से। क्यों नहीं, क्या कहा है उसने जवाब को? क्या व्हाट? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। माली बनने चला गया है ये। माली नहीं हूं अम्मी जान, मैं तो बस वो परीसा जी के पौधे देखने गया था, खराब हो गए थे, और वैसे भी मेरी ये गार्डनिंग की स्टडीज कब काम आएंगी। क्या क्या बदलूंगी, अपना जिम, अपना स्पा, अपना क्लब, अपनी गैदरिंग। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा इस घटिया लड़की ने। आपकी शादी हो रही है, आप यहाँ से चली जाएंगी? नहीं, कोई शादी नहीं हो रही। मगर मम्मा तो पापा से लड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें नया सूट बनवाना था ना, इसलिए। ठीक है, जो जिससे लड़ता है लड़ने दो, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है? सच? मुझ मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तो मैं किसकी शादी में डांस करूंगी? ये बात भी है, इसका मतलब शादी करनी पड़ेगी, है ना? अरे सुम्बुल, वो गुलाबी धागा दे जरा मुझे। अरे अरमान, क्या कर रहा है तू? अरे बंद कर दे इसे, तुझे कह रही हूँ, सुन रहा है तू? बस अम्मी थोड़ा सा रह गया यार। अरे बस कर दे, अभी कपड़े धोए थे, सारा पानी खर्च हो गया। अरे बर्तन धोने को पानी नहीं है, बंद कर इसे। बस थोड़ा सा तो रह गया अम्मी जान, रुक जाइए। हाय, अरे अभी परसों टैंकर डलवाया था मैंने ये पड़ोसी के साथ मिलके, तुझे पता है मेरे हिस्से में कितने पैसे आए थे? 2000। तौबा, एक तो इस मुल्क में ना हर चीज के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, सिर्फ हवा मुफ्त में मिलती है और वो भी धुएं भरी कमबख्त। अरे बाल्टी ले, बाल्टी उसे धो। ठहर जा, मैं बताती हूँ कैसे धुलेगा। ठहर जा, तुझे मैं बताती हूँ। अरे बंद कर इसे। वाह, सारा पानी बर्बाद करके रख दिया। अरे हाय हाय, हाय हाय, ये कमीज मेरे हाथ की तो धुली भी नहीं है, जरूर इसकी बहन ने धोई होगी। हाँ, अगर मेरे हाथ की धुली होती ना तो उसी वक्त मैं इसकी खबर लेती। अरमान, अरे ये कैसे बुआ रही है तेरी कमीज से? वो स्प्रे की होगी अम्मी, क्या हो गया? तू फिर नर्सरी गया था क्या? नर्सरी तो नहीं गया था, बंगले पे गया था। अरे इतने बड़े बड़े लोगों में तेरे बाप का उठना बैठना है? इतना सा नहीं होता कि अपने बेटे के लिए अपनी जबान खोल ले, कि उसकी कोई अच्छी सी नौकरी हो जाए? वैसे महमूद साहब, ये जो आप तस्बीहें घोट रहे हैं ना, इनसे हालात ठीक होने वाले नहीं, और इन तस्बीहों की वजह से सिर्फ आपके चेहरे पर नूर आ रहा है। हालात वही के वही है, ना तो बेटी की शादी हुई है और ना ही मेरे बच्चे की नौकरी। अरे इतने इतने पैसे जोड़ के मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया इसको, और देख ले माली बनने चला गया है ये। माली नहीं हूं अम्मी जान, मैं तो बस वो परीसा जी के पौधे देखने गया था, खराब हो गए थे, और वैसे भी मेरी ये गार्डनिंग की स्टडीज कब काम आएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है
कि जैसे तेरे बाप की तरह से ना वो लोग तुझ पे एहसान करके छोटी मोटी सी नौकरी दिला देंगे और फिर सारी जिंदगी के लिए अपना गुलाम बना के रख लेंगे वो। और सुन, खबरदार जो तू वहां गया आइंदा। अरे अम्मी जान, मैं वहां पे नौकरी के लालच में थोड़ी जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ दोस्ती में। आखिर ये चक्कर चल कब से रहा है? हाँ, कब से चल रहा है ये चक्कर? तुम उससे मिलती कहाँ हो? मैंने तुझे आते नहीं देखा इतने सालों में, यहाँ एक आध बार ही आया होगा। तो फिर बोलो आफताब। हाँ, नहीं नहीं, मैंने भी कभी नहीं देखा उसे। बचपन में आया करता था अपने बाप के साथ, उसके बाद शायद एक आध बार हो रहा है और फिर आजकल नजर आ रहा। बस हमारे पीछे आता जाता रहा होगा। अच्छा, तो अब मैं समझी ये सफिया की बेटी के साथ इतने लाड प्यार क्यों हो रहे हैं। उसका महंगा स्कूल, उसके कपड़े, उसके जूते, हर चीज का ख्याल, ये सब कुछ सफिया का मुंह बंद रखने के लिए है ना? है ना? इस घर में सिर्फ सफिया नहीं रहती हूँ, 10 लोग और भी रहते हैं। नादिया के नाज़िश के प्यार में उठा। और किस किस से प्यार करती हो तुम? माली, स्वीपर, ड्राइवर, चौकीदार, किस किस से क्लोज फ्रेंडशिप है तुम्हारी? शहनाज, तो फिर इसने भी तो हद कर दी है ना। जरा देखें, अगर ये महमूद के बेटे से इश्क चढ़ा सकती है तो पहला चक्कर तो किसी ड्राइवर के साथ ही लगाया होगा इसने। एक मिनट, एक मेरी बेटी ऐसी नहीं है। और वो जो हमारे सामने इतना शरीफ बन रहा है ना, अंदर से एक नंबर का खिलाड़ी है वो। और परिसर जैसी मासूम और सीधी लड़की को धोखा देना क्या मुश्किल है उसके लिए? तो फिर ये बताए ना, ये सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? सब कुछ खुल के सामने आ गया है ना, तो शाबाश, हमें खुद ही बता दो कैसे शुरू हुआ। मुझे नहीं पता। हमें क्यों बताएगी? ये डिटेल तो किसी उस अगले लड़के को बताएगी जो इसके रिश्ते के लिए आने वाला है। I hope कि इसके बाद कोई रिश्ता आए। बहुत बदल गई है अमीजान, पहले जैसी नहीं रही। मुझे याद है बचपन में शोर मचाती, उछलती कूदती, गाने गाती, और अब इतनी सीरियस सोबर हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। अरे क्या खाक सीरियस हो गई है, मैं तो कहती हूँ सठिया गई है वो। और क्या, अरे 4 गमलों के लिए रिश्ता ठुकरा दिया। अम्मी जान, ऐसे ही भाई को तंग कर रही होगी, मजाक किया होगा उसने। वैसे भी जो अमीर घर की लड़कियां होती ना, फैशन के तौर पर ऐसी बातें करती हैं। मेरे टीचर कहते थे कि जो लोग बच्चों और फूलों से प्यार करते हैं ना, वो अल्लाह वाले होते हैं। अच्छा अच्छा, बस बहुत हो गया, चल जा जाके अपने हाथ धो और छोड़ इस खटारा का पीछा। अरे अम्मी जान, इसको तो ऐसा मत कहिए, ये तो यार है मेरा यार। 10 साल हो गए मुझे तेरे बाप के साथ इसको भुगतते हुए, और अब पिछले 5 साल से तेरे साथ देख रही हूँ इसे। तो आप दुआ कीजिए ना कि अब्बू जी को जल्दी कोई ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाए और अब्बू जी की पुरानी गाड़ी मुझे मिल जाए। अरे तेरे अब्बा के पास एक नहीं बल्कि 2-2 न्यू ब्रांड गाड़ियां हैं। वो जो मैडम जी है ना, इन्हीं को तो अगली सीट पे बिठा के लेके जाती हैं। अरे जब बजना शुरू करती है ना तो बजती चली जाती हो। चुप करो, अब मैडम जी का फोन है। ये जी मैडम जी जी। अच्छा जी जी, मैं आता हूँ जी। हाँ आता हूँ। अरे क्या हो गया, क्या कह दिया मैडम जी ने? अरे बुलाया है। है? बस फोन आया। आपने मेरी दुआ की है ना? बहुत मुश्किल पेपर है कल मेरा। अरे तुम क्या हर वक्त इससे हांडी रोटी करवाती रहती हो, उसको पढ़ने भी दिया करो किसी वक्त। है? पढ़ने दिया करूं? अरे इसने पढ़ के कौन सा तीर मार लिया जो ये कुछ कर लेगी? हाँ? उसको तो देखो जरा, दूसरों के घरों में जाके गमलों में गोडी करता है। अरे तुम क्या वहां के चक्कर लगाते रहते हो, और वो भी बगैर मेरे पूछे। वो अबू जी बस 1-2 दफा ही गया था,
वो परीसा जी के पौधे खराब हो गए थे। मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम वहां नहीं जाओगे। बाबू जी एक विजिट और चाहिए वहां पे। मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम वहां नहीं जाओगे, सुन लिया? बस। और तुम ये सब कुछ छोड़ो, कपड़े वपड़े जाके ऊपर पढ़ो। शाबाश। बहुत बुरा किया है तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी हरकत करेगी। अरे अब थोड़ी देर बैठ जाओ, रिलैक्स करो प्लीज। तुम बैठे रहो तुम। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कैसे फर्क नहीं पड़ता शहनाज? लेकिन अब कुछ हो गया है तो उसको तरीके से हैंडल करना है ना। क्या हैंडल करोगे तुम? हो जाती है बच्चियों से गलतियां। हमारे सामने कितने केसेस हैं। अरे लड़कियां अपने मुलाजमों के साथ भाग गई हैं, हमारी बच्ची तो हमारे घर में बैठी है। देखो ये लड़के चार पैसों की लालच में ये सब कुछ करते हैं, उसके मुंह पे मारेंगे पैसे, साइड पे हो जाएगा। और नसरीन, उसके मुंह पर क्या मारोगे? उसकी जबान किस चीज से बंद करोगे? अब तक बता चुकी होगी वो 150 लोगों को। मुझे तो इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका अफेयर किसके साथ है, प्रॉब्लम ये है कि इसने बताया किसको है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, तुम ही लेके आई थी नसीन को बीच में। तो मुझे क्या मालूम था कि ये लड़की इतनी घटिया हरकत कर सकती है? बताना ही था किसी को तो मुझे बताती। मैं पूछती रही उससे, हाथ जोड़ती रही, लेकिन नहीं। मुझे तो डिस्ग्रेस करना था ना, बेइज्जती करनी थी मेरी। She hates me. Come on, शहनाज। नफरत करती है वो मुझसे। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ अपने लिए नफरत। क्यों? क्यों नफरत करती है वो तुमसे? क्योंकि वो जेलस है मुझसे। क्या क्या सोच रही हो तुम उसके बारे में यार? जेलस है मुझसे जैसे दूसरे लोग जलते हैं, मेरी जात से, मेरी शख्सियत से, मेरी शोहरत से। शहनाज वो बेटी है तुम्हारी। आफताब, मैंने बहुत कोशिश की उसे अपने साथ रखने की। मैं उसे घसीट घसीट के ले जाती रही अपने साथ गैदरिंग्स पे, इवेंट्स पे, लेकिन उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं मैं? वो चाहती है कि मैं उसके साथ मिलकर उन दो चार गमलों की देखभाल करूं। मैं ये नहीं कर सकती। किसी चीज का बदला लेती है मुझसे। मैं किस किस को जवाब दूंगी, क्या क्या बदलूंगी? अपना जिम, अपना स्पा, अपना क्लब, अपनी गैदरिंग। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा इस घटिया लड़की ने। अच्छा सुनो, मेरे ख्याल में महमूद आ गया। तुम जरा इस बात पे फोकस करोगे उससे बात क्या करनी? उससे क्या बात करनी? उसकी हैसियत ही क्या है? उसे तो हैसियत हमारी बेटी ने दी। कल तक वो अपने बेटे के लिए मुलाजमत मांग रहा था और आज बताती हूँ मैं उसे उसकी औकात। देखो सामने वाले की औकात से फर्क नहीं पड़ता। अब हम बेटी वाले, हमें अपनी आवाज नीचे रखनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठे मामू साहब। मैडम जी, नमक हरामी किस चीज को कहते हैं महमूद साहब? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या बात है मैडम, कोई गलती होगी मुझसे? मैंने आप पे ट्रस्ट किया महमूद साहब, उससे कहीं ज्यादा जो मैं खुद पे करती हूँ। मेरे घर में क्या पकना है, मेरे घर में क्या सौदा आना है, मैंने किस एक्टिविटी पे जाना है, मेरे बच्चों की क्या एक्टिविटी है, ये सब कुछ आपके हाथ में था। सारा इंतजाम आप देखते थे। मैंने कभी आपसे कोई हिसाब नहीं लिया, लेकिन आज बहुत मेरी इज्जत पर आ गई है। ऐसा क्या हो गया मैडम खुदा ना खास्ता? आप कुछ नहीं जानते? किस बारे में? अपने बेटे के बारे में। क्या कर रहा है वो?
क्या क्या किया अरमान ने? अफेयर चल रहा है उसका मेरी बेटी के साथ। और अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये सब कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा है या आपके इशारों पर? देखिए मामू साहब, बात हम तीनों के बीच में है, इसलिए बेहतर है कि हम खुली खुली और साफ बात करें। मैं क्या कहूँ सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या आपको पता था कि आपका बेटा परीसा से छुप छुप के मिलता रहा? ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। कैसे हो सकता है महमूद साहब, आपका इतना फर्मा बरदार बेटा जो आपकी इजाजत से उठता बैठता है, वो आपसे पूछे बगैर, आपको बताए बगैर इतना बड़ा एडवेंचर कर ले? खुदा की कसम मैडम, अरमान के सर की कसम, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ महमूद साहब? इस घर का सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, सारा स्टाफ आपके कंट्रोल में, बच्चों का आना जाना, उनका पिक एंड ड्रॉप, सब कुछ आपके थ्रू होता है। इस घर में पत्ता भी हिलता है ना तो आप मेरे नोटिस में लाते हैं, मेरे नोटिस में। और इस घर की बुनियादें हिल गई, आपको पता भी नहीं चला? हाउ कम? वो मेरी इजाजत के बगैर कभी आने आया, सिर्फ दो मर्तबा आया, वो भी परीसा के पौधों को स्प्रे करने के लिए। अभी कुछ देर पहले उसने मुझे बताया और मैंने इसी बात पर उसको डांटा कि आइंदा इस घर में नहीं जाना, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। जी नहीं महमूद साहब, वो बहुत अच्छे से कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ, आई डोंट नो कब से। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आप अरमान पर शक कर सकते हैं लेकिन परीसा ऐसा नहीं कर सकती। किसी बदबख्त ने झूठ बोला है आपसे। किसी बदबख्त ने नहीं महमूद साहब, परीसा ने अपने मुंह से बताया है कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कि मेरी बेटी आम लड़कियों की तरह ये अफेयर शफेयर के चक्कर में पड़ ही नहीं सकती। तुम अपने बाप की पसंद से जहां चाहे शादी कर लो, आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा और परीसा का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक हो सकता है? वही ताल्लुक जो एक मर्द और औरत का ताल्लुक होता है। होगी तो अकेले मुझे सब में मत घसीटो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे बेटे के ताल्लुकात बन रहे हैं उनकी बेटी के साथ। तुम अपने बाप को उस दो टके की लड़की के साथ मिला रही हो? मुझे कोई दख्श नहीं है ऐसा। I'm